आप इनका पैर देखो सबसे पहले। ऑमलेट खाने का बहुत शौक है और राजीव को बहुत अच्छा मिलता है दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? कम से 10 साल से। मैं तो रोहिणी रहता हूँ, तो मेरा स्पेशली मैं आज यहाँ पे ये खाने आया हूँ, तो मैंने कहा इनसे भी मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा सा ऑमलेट आ गया, अब अपना ऑमलेट खुशी देखो इनके चेहरे। थैंक यू। खास बंदेगी ना, हमारे पास एक फरमाइश आई, अगर वो पूरी नहीं करी ना तो ये बोल सकता हूँ यूट्यूब के ऑडियंस या फिर पूरा सोशल मीडिया ना माफ नहीं करेगा। हमारे पास आया मैसेज विनोद का, और विनोद भाई साहब हमें बोल रहे हैं जाने के लिए राजीव भाई अंडे वालों के पास। सारी टेस्टी हैं, बट बेटर तो सीख कबाब ऑमलेट लगता है। सीख कबाब ऑमलेट सब ट्राई करें, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जो अमूल बटर है ना बेस्ट बेस्ट, अमूल बटर इज बेस्ट। ये है जी राजीव भाई के स्पेशल ऑमलेट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल कोविड में हर कोई देखता है और देखनी पड़ती है, हाइजीन, वो इन्होंने पूरा ख्याल रखा हुआ है। ग्लव्स पहन के ये पूरा ऑमलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, मास्क है, कैप है, और कैसे हो राजीव भाई? फर्स्ट क्लास भाई साहब। अच्छा एक बात बता, आप विनोद को जानते हो? विनोद, उन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया है कि लॉकडाउन के बाद जाइए, जरा राजीव भाई के ऑमलेट खाइए। ऐसे कस्टमर बहुत आ रहे थे, याद नहीं रहता, फिलहाल कस्टमर हमारे बहुत हैं। यार बताओ, इंटरनेट सेंसेशन जो आजकल पूरा ट्रेंड पे चल रहा है, राजीव भाई के कस्टमर है वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन सा ऑमलेट बना रहे हो? ये आपको बना रहे हैं ड्राई फ्रूट ऑमलेट, प्लस सीख कबाब ऑमलेट अलग से, वो तो है। अच्छा एक बात बताइए, मैक्सिमम कितने अंडों का ऑमलेट बन जाएगा? दो अंडों से लगा कर 30 अंडे तक का ऑमलेट बनता है मेरे यहाँ। 30 अंडों तक का? जी हाँ। प्रियंका क्या बोलती है, 30 अंडों का बनवा लें? तो हाँ ही बोलेगी। धनिया मत डालना अच्छी तरह बटर में, पहले इन्होंने प्याज और टमाटर सॉर्ट करे, फिर डाले अंडे, 4 ब्रेड ये लगाते हैं। अभी तो चालू ही है प्रिपरेशन, अभी तो शुरू है, अभी बहुत खाने से बाकी है। इसका प्राइस क्या रहता है? इसका ड्राई फ्रूट जो है इस समय जो है 230 रुपए का है। दो अंडों का? 4 अंडे का। ये 4 अंडे का बनाया आपने? जी हाँ। और 30 का लेना चाहे कोई? 870। 870 गाइस, आप सोच सकते हो 30 अंडों का ऑमलेट। पैन यही रहता है? यही होता है पैन, इसी पैन के अंदर? इसी पैन के अंदर। अरे बाप रे बाप भाई, सोच के भी मेरे को तो बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल बराबर है मेरे से तो। इस पैन के अंदर 2 अंडों बनाऊंगा ना, वो भी टूट जाएगा। भाई पूरी एक अमूल मक्खन की टिक्की इसके अंदर जा चुकी है। अब ये जो मक्खन है जिसके अंदर मसाला डल चुका है, ये जा रहा है तड़के के लिए। ओह भाई क्या बताऊं इस डिश के बारे में, अभी तो प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं है तो इतना लजीज लग रहा है। अभी तो ड्राई फ्रूट जाने वाले हैं इसके ऊपर। ये गई जी प्याज, टमाटर, थोड़ी सी मिर्च, ये सोया तो होता है। वाह भाई वाह, मसाला, नमक। अच्छा एक बात बताइए, जो जब लॉकडाउन हुआ था तो काम पे असर पड़ा? ज्यादा असर तो नहीं हुआ, मेरे गांव के पुराने सब आ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास चल रहा भाई साहब। करा के आपने 3 महीने दुकान बंद की? तो खाली बंद रही 2 महीने। अच्छा, और होटल भीड़ लगी है तो सेटिंग हो गई ऊपर? बिल्कुल। अच्छा सेटिंग हो गई ऊपर? सेटिंग है, एसीसी लगा हुआ, फैमिली वैमिली सब आ सकते हैं। ये गया जी पनीर, अब हमारे ड्राई फ्रूट कब आएंगे? आने वाले। वाह भाई वाह गाइस, पनीर इन्होंने डाला है और अमूल की क्रीम ये यूज़ कर रहे हैं, चुकंदर डल चुका है। जो आप अमाउंट दोगे ना यहाँ पे, जैसे 4 अंडों का हमने लगवाया है तो 230 रुपये का है, पूरा वर्थ आपको मिलेगा। वाह भाई वाह, ऐसा यूनिक ऑमलेट गाइस आपने कहीं नहीं खाया होगा। आप देख सकते हो उसके अंदर चुकंदर डले हुए हैं, अनार के दाने हैं, और जो लग रहा है ना ये ऑमलेट गजब अलग ही।
हमारे ड्राई फ्रूट्स, जाने वाले हैं हमारे ड्राई फ्रूट ऑमलेट पे। वाह कैसा लगा प्रियंका, है ना गजब? गजब है यार, मेरा तो देख के ही पेट भर गया। ये बात ये बनाए जी, अब जाके पूरा ड्राई फ्रूट ऑमलेट। अभी कुछ रह गया जी? हो गई प्रिपरेशन पूरी? अभी तो बहुत आइटम पड़ेंगे, अभी इसके अंदर और भी आइटम पड़ेंगे। पनीर प्रियंका का ऑमलेट तो बिल्कुल रेडी है, अब बारी है मैं अपना ऑमलेट बना लेता हूँ। अक्सर जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑमलेट है जी, चिकन सीख ऑमलेट। तो प्रिपरेशन बहुत ही गजब है, बहुत ही यूनिक है, चार अंडों में ये भी बनता है। देखते हैं जी कैसे बन रहा है। अच्छी तरह से दोबारा बटर के अंदर प्याज टमाटर को सॉट करा जा रहा है, थोड़ा सा लच्छा है इसके अंदर अदरक का और हरी मिर्च। बटर भी चला गया है ब्रेड के ऊपर। वाह कलाकारी पूरी है। अच्छा धनिया धनिया नहीं धनिया नहीं धनिया नहीं धनिया नहीं भूल गया शायद आप। धनिया तो खाते नहीं आप। ऊपर तक गया जी नींबू। कबाब ले क्या भैया? आप भी सही प्रिकॉशन ले रहे हो, ग्लव्स वगैरह आपने पहने हुए हैं। बिल्कुल सही, मास्क प्रॉपर लगाते हैं ये। ओए होए ये अमूल में फ्राई होते हैं कबाब। ये जी कबाब और फर्स्ट क्लास। अरे बंदा एक बार सीख कबाब खा लेना, वो दूसरी डिश भूल जाता है, सीख कबाब खानी उसे। फिर प्रियंका क्या बोलती है? क्या बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका पता नहीं कब खाना चालू करेगी। लुक एट दिस गाइस, कबाब फ्राई हो जाते हैं, बहुत लाल लाल बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं। ऐसे खाओ जैसे लेग पीस ही फैले इसके आगे। अभी प्याज आएगा, टमाटर आएंगे, हरी मिर्च आएगी, नींबू आएगा, मसाले आएंगे, उसके बाद फुल तैयार हो जाएंगे ये। अच्छी तरह से रेड जब हो जाएंगे उसके बाद ये जाएंगे हमारे ऑमलेट के ऊपर। इसी के अंदर? इसी के अंदर। वैसे अलग से आप लगाते हो प्याज टमाटर का तड़का? इसी के में सब कुछ खराब हो जाएगा। बड़े ऐसा यूनिक ऑमलेट शायद ही आपने कहीं खाया हो। अगर खाया हो तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिर्च डल चुकी है, टमाटर डल चुकी है, और राजीव भाई का किस किसने ऑमलेट खाया है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नमक हो गया और जी नींबू। नींबू इसका फ्लेवर एकदम झकास झकास। ये गया जी ऑमलेट के ऊपर। इसके ऊपर आएगी क्रीम, अमूल की क्रीम, अमूल बटर सर, और पनीर। लिटरली 2 साल हो गए ये ऑमलेट खाए, अब तो मज़ा सा आ रहा है देखकर ही। देखने में इतने टेम्पटिंग है। ड्राई फ्रूट ऑमलेट हमने ऑर्डर किया है, ड्राई फ्रूट भर के ही खाते हैं ना, तो ये हम लेते हैं अपनी बाइट। बड़ी सी मक्खनदार ड्राई फ्रूट विद चुकंदर पनीर। मतलब ये जगह ऐसी है कि आपको एक बार खाना तो जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ के जो फ्लेवर्स है ना, मतलब मजा आ जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है, इतने टेस्टी हैं। खूब सारा मक्खन मेकिंग तो गाइस आप लोगों ने देखी होगी, हर चीज इनकी फ्राई है, चाहे वो प्याज का लच्छा क्यों ना हो, चाहे वो काजू या किशमिश क्यों ना, हर चीज मक्खन में इन्होंने फ्राई कर रखी है। अपना मसाला डाल रखा है और अमूल बटर, अ लॉट ऑफ अमूल बटर। तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। और ये प्लेट एक बंदा एक बंदे के लिए ना ले, दो बंदे एक प्लेट ले, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि बहुत हैवी है। गाइस लुक एट माय प्लेट, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ऑमलेट, जो अक्सर मैं द्वारका से निकलता हूँ ना ट्राई जरूर करता हूँ। इसमें ना आपको हर बाइट में कोई अलग फ्लेवर मिलेगा, किसी के अंदर आपको अनार के दाने का मिलेगा, किसी के अंदर सिर्फ बटर का। भाई ऑमलेट ना चबाने का नहीं है, अंदर जाते ही घुल जाता है। आलू डाल के इसे फ्राई करते हैं ना टमाटर प्याज को, इनकी सॉफ्टनेस तो रहती है टमाटर की, टैंगीनेस अलग से आ जाता है। भाई अलग लेवल है ये चीज। अब एक बार ना मैं एक चटनी ट्राई कर लेता हूँ ऑमलेट की बाइट से। ये है जी हरी वाली। ले जाओ भाई जवाब
प्रियंका वहां से बोल रही है कि इंसान का जो पेट है ना वो प्लेट देख के ही भर जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने इसके अंदर माल डाला है। ये मैं शब्द यहाँ पे प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ क्योंकि अच्छा माल इन्होंने सही में डाला हुआ है। प्याज भी रखे जा सकते हैं, केचप मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, अगर आप केचप के शौकीन हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आइए ऑमलेट खाइए, ये ऑमलेट भाई साहब खाए नहीं जाएंगे, पैक कराऊंगा घर जाके भाई के साथ खाऊंगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, आइए राजीव भाई के ऑमलेट एंजॉय कीजिए।